हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग रोज की तरह आज भी मैथ का सेट नंबर 25 करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का PDF जो है से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके इस क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए 25 नंबर सेट का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राम किसी राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित करता है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात 8:7 है तथा बी और सी के हिस्सों का अनुपात 3:2 है। यदि ए और बी के हिस्सों का बीच का अंतर 240 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। राम कोई व्यक्ति है, ठीक है। करता क्या है कि राम है से ए बी और सी के बीच कुछ राशि है उसको विभाजित करता है। तो इसमें दिया गया है कि ए और सी का जो राशि का अनुपात है 8:7 है, ठीक है, और बी और सी के राशि का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 3:2 है, ठीक है। तो चलिए देखिए रेशियो जो है से इसमें अलग अलग है, जैसे कि सी का यहाँ पर वैल्यू क्या है 7 है और सी का वैल्यू यहाँ 2 है, तो सी का वैल्यू को बराबर करेंगे, जब तक बराबर नहीं करेंगे तब तक ए बी और सी का वैल्यू एक साथ रेशियो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सी में हम कौन सा ऐसा फैक्टर से कौन सा ऐसा अंक से मल्टीप्लाई कर दें जो सी है से आपस में बराबर हो जाएगा। तो 2 और 7 का LCM अगर हम 14 लें तो 14 हो जाएगा, यानी कि 14 पुराने की लिस्ट में 2 से और इसमें कितना 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ए और सी का नया अनुपात जो आ जाएगा से 8 × 16 और 7 × 14 और इसका क्या हो जाएगा 17 × 21 और 7 × 14। अब यहाँ देखिए आप कह सकते हैं कि ए और यहाँ पर सी का जो अनुपात है सो दोनों जगह बराबर है, तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो हो जाएगा से ए बराबर 16, बी बराबर क्या हो जाएगा 21 और सी बराबर यहां क्या हो जाएगा 14, ठीक है। इसी को हम x मान लेंगे। अब बोल रहा है क्वेश्चन से कि a और b के हिस्सों के बीच का अंतर जो है 240 रुपए है, तो आप बताइए कि a और b यानी कि 21 में से अगर 16 घटा दें तो क्या हो जाएगा 5x का वैल्यू जो दिया हुआ है तो 240 दिया हुआ है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या कर देंगे यहां से फाइंड कर लेंगे, तो 5 से अगर 240 को कट करेंगे तो 5 × 5 = 20, 5 × 8 = 40, यानी x का वैल्यू जो आ गया हमारा 48 आ गया। तो अब बोल रहा है कि टोटल कुल राशि क्या था, ठीक है, तो हम जोड़ देंगे क्या 21 और 14 और क्या 16 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 21 और 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 16 कितना हो जाएगा 51, यानी कि कुल राशि बराबर हम लिख सकते हैं कितना 51x, ठीक है, और 51 गुना x का वैल्यू हमको पता है कितना 48 है तो 48 लिख देंगे और इसी को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2448 क्या आ जाएगा कुल राशि आ जाएगा, जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, पहला का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ी दिल्ली से कोलकाता के लिए 10 बजे सुबह और 10:30 बजे सुबह निकलती है, ठीक है। तो इन दोनों रेलगाड़ी का चाल जो है पहला का 60 किलोमीटर/घंटा है और दूसरा का 75 किलोमीटर/घंटा है, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि दिल्ली से कितने किलोमीटर के बाद की दूरी पर ये दोनों ट्रेन जो है से साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग याद करते हैं, फाइंड करते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई पॉइंट है और एक कोई पॉइंट है, यहां पर मान लीजिए कि यहां पर दिया हुआ है दिल्ली दिया हुआ है, ठीक है, दिल्ली दिया हुआ है और यहां पर कोलकाता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहां से कोई एक रेलगाड़ी ए जो है 10 AM में खुलती है कितना 60 किलोमीटर/घंटा के हिसाब से, और कोई बी रेलगाड़ी है से कितना 10:30 AM में खुलती है कितना 75 किलोमीटर/घंटा के स्पीड से, ठीक है। तो एक बात बताइए कि जब ये 10 बजे खुलेगी और ये खुलेगी 10:30 बजे, यानी कि इसको खुलते समय तक यहाँ से 0.5 किलोमीटर अपना डिस्टेंस क्या है तय कर चुकी होगी। तो मान लीजिए कि ये अगर 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगी तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना यहाँ कितना 30 किलोमीटर
तय कर चुकी होगी, यानी कि कह सकते हैं कि रेलगाड़ी ए जो है तो 30 किलोमीटर अपना डिस्टेंस जब तय कर चुकी होगी तब जाकर के बी है से क्या है चलना स्टार्ट की होगी, ट्रेन कहाँ से, दिल्ली से। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई दो ट्रेन है से एक ही दिशा में जब जा रही है तो इन लोगों का कोरिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, तो कोरिलेटिव स्पीड बराबर हम लिख सकते हैं ये दोनों ट्रेन का जो है स्पीड क्या होता है आपस में घट जाता है, तो हम लिख सकते हैं कि 75 - 60 यानी कि 15 किलोमीटर पर घंटा इन लोगों का कोरिलेटिव स्पीड हो गया, ठीक है। अब यही 30 किलोमीटर जो दूरी होगा इसी को क्या करेगा इन लोग तय करेंगे, कौन तय करेगा, बी तय करेगा, ठीक है। बी और ए दोनों यानी कि ए है से 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आगे बढ़ते रहेगी और बी है से 10:30 निकलेगी तो 75 किलोमीटर पर घंटा, और इन लोगों का कोरिलेटिव स्पीड जो हुआ वो 75 किलोमीटर पर घंटा हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था इसी को इन लोगों का कोरिलेटिव दोनों मिल करके तय करेंगे, ठीक है। तो दोनों मिल करके तय करेंगे तो कितना 15 से भाग दे दें, डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम निकल जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि दो घंटा बाद जो है तो ट्रेन ए और बी है से क्या हो जाएंगे साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 घंटा बाद तो 10:30 के बाद 2 घंटा अगर तय करेगी तो ट्रेन इसको मान लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस बाई स्पीड गुना टाइम, तो डिस्टेंस मेरा क्या निकल जाएगा स्पीड जो है से कितना 75 किलोमीटर पर घंटा और टाइम जो है से 2 घंटा है यानी कि 150 किलोमीटर के बाद जो है ट्रेन ए और बी है से क्या हो जाएगा दोनों एक साथ में तय करने लगेंगे, ठीक है। जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 150 किलोमीटर जो कि 2 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यदि x का 50% y के 25% के बराबर है तो x और y का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि x का 50% तो 50% बराबर क्या है y का 25% है, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये 25 से अगर इसको अगर कट कर दें तो दो बार में यानी कि लिख सकते हैं 2x बराबर y, ठीक है। अगर x को अगर यहीं छोड़ दें y को इधर लाएं तो x बाई वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बचेगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी x और y का जो अनुपात हो जाएगा से 1:2 हो जाएगा जो कि 3 का ऑप्शन नंबर हमारा a हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है, ठीक है। अगर नलिनी और उसका भाई का आयु का अनुपात 7:6 है तो अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इसको रेशियो मेथड से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि नलिनी को हम n से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और उसका भाई को b से, ठीक है। तो नलिनी और उसका भाई का जो अनुपात है से वर्तमान का अनुपात जो है आयु का अनुपात 7:6 है और यहाँ पे बोल रहा है कि उसका भाई का जो वर्तमान आयु है वो कितना है 12 वर्ष है, यानी कि इसको हम लिख देंगे कितना 6 = 12 वर्ष, ठीक है। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 6 वर्ष बाद इनके आयु का जो अनुपात हो जाएगा से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बात बताइए कि बी जब इसका नलिनी और उसका भाई का अनुपात 7:6 है और उसका भाई का जो एज दिया हुआ है 12 वर्ष दिया हुआ है तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि 6x का जो वैल्यू दिया हुआ है तो कितना 12 वर्ष दिया हुआ है तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, x का वैल्यू जब 2 वर्ष हो जाएगा तो 6 वर्ष बाद बोल रहा है, ठीक है। तो अब बताइए कि इसका कितना एज हो जाएगा, x का वैल्यू हमारा 2 है इसका कितना हो जाएगा, चलिए देखिएगा 14 वर्ष हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि नलिनी का वर्तमान आयु 14 वर्ष और उसका भाई का वर्तमान आयु है से क्या है 12 वर्ष। अब इससे 6 वर्ष बाद जाएंगे तो नलिनी का अगर एज में अगर 6 वर्ष जोड़ दें तो 14 + 6 कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और उसका भाई में अगर 6 वर्ष जोड़ दें तो कितना 12 + 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अभी इसी दोनों का तो अनुपात निकाल देना है, ठीक है। तो अनुपात निकाल देंगे कितना 10:9 क्या हो जाएगा 6 वर्ष बाद इन लोगों का आयु का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 का ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा से सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पांच नंबर क्वेश्चन है, यदि a बटा बी बराबर 3/2 और b बटा सी बराबर 3/5 है तो a प्लस बी बटा बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए दिया हुआ है a बटा बी बराबर 3/2 दिया हुआ है और b बटा सी बराबर
तीन बटा पाँच दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ए कंसीडर करेंगे कि देखिए बी का वैल्यू यहाँ पर दो है और बी का वैल्यू यहाँ पर तीन है, तो बताइए कि इसमें क्या आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन लोग को फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दें जो बी का वैल्यू समान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे कि तीन और दो का एलसीएम लेंगे तो हमारा छः हो जाएगा, यानी कि दो को पुराने के लिए हमको तीन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो तीन से ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि फ्रैक्शन में इन लोगों का जो अनुपात है उसमें कोई चेंजिंग न हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ दो बटा दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा बी बटा सी का जो वैल्यू आ जाएगा और ए बटा बी का जो वैल्यू आ जाएगा, तो तीन तीन नौ और तीन दूना छः और यहाँ क्या हो जाएगा छः और दस। अब यहाँ देखिए जो बी का वैल्यू है ये क्या हो जाएगा छः हो जाएगा और यहाँ पर भी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा छः हो जाएगा, यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं नौ अनुपात छः अनुपात और सी का वैल्यू दस, इतना हम लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए प्लस बी बटा बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम यहां से कर सकते हैं कि ए प्लस बी यानी कि कितना नौ प्लस छः और बी प्लस सी यानी कि बी प्लस सी कितना है छः प्लस दस, इसी का तो वैल्यू फाइंड करना है। नौ छः कितना हो जाएगा पंद्रह और दस छः सोलह, यानी कि पंद्रह बटा सोलह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि पाँच का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर छः देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छः बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि धनराशि जो है सो दो वर्ष में 756 और साढ़े तीन वर्ष में 873 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारा मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि साढ़े तीन वर्ष 3.5 वर्ष में जो है से धनराशि जो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है 873 रुपया 873 और दो वर्ष में जो हो जा रहा है दो वर्ष में जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 756 रुपया हो जा रहा है। तो अब एक बात बताइए कि साढ़े तीन वर्ष का जो धनराशि है से 873 है और दो वर्ष का यानी कि कितना 756 है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि हमारा प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो अब बताइए कि साढ़े तीन साल में से अगर दो साल घटा देंगे तो हम बोल सकते हैं कि डेढ़ वर्ष बोले तो कितना तीन बटा दो वर्ष का जो वैल्यू आ जाएगा, तो ये दोनों को आपस में क्या करेंगे घटा देंगे, इसको अगर घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बोल सकते हैं कि डेढ़ वर्ष का जो हमारा ब्याज हो जाएगा, हम इसको ब्याज लिख देंगे, डेढ़ वर्ष का ब्याज इतना है तो दो वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, क्योंकि दो वर्ष का मूलधन में से अगर दो वर्ष का अगर ब्याज हम घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा मूलधन निकल जाएगा। तो चलिए क्या दो वर्ष का हम ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तीन बटा दो वर्ष का ब्याज बराबर 117 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 117 गुना दो बटा तीन हो जाएगा। अब यहीं से अगर फाइंड कर लें तो दो वर्ष का, तो दो वर्ष बराबर क्या लिख देंगे 117 गुना दो बटा तीन गुना दो हो जाएगा। अगर इससे अगर करें तो तीन तीय नौ और तीन नवा 27, 39 गुना क्या हो जाएगा चार हो जाएगा। अगर इसको करें तो नौ चौके 36 के छः हाथ में तीन बच जाएगा। ठीक है, और चार तीन 12 तीन 15 156 रुपया, यानी कि बोल सकते हैं कि दो वर्ष का जो ब्याज था वो 156 रुपया है और कुल राशि जो दो वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है 756 है। तो 756 से अगर दो वर्ष का अगर हम क्या ब्याज अगर घटा देते हैं तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, तो हम मूलधन बराबर पी बराबर लिख देंगे कितना 756 माइनस 156 यानी कि कितना हो जाएगा 600 रुपया जो हो जाएगा से हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, वही छः का जो ऑप्शन जो हो जाएगा से बी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सात तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सात बोल रहा है कि एक सम चतुर्भुज की परिमाप जो है से 40 सेंटीमीटर है, यदि दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण जो है से 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण का लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज अगर क्या सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो सम चतुर्भुज कैसा होता है, सम चतुर्भुज देखिए ऐसा होता है जिसका चारों भुज आपस में क्या होता है बराबर होता है, इसमें विकर्ण है से क्या होता है आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, ठीक है,
यहाँ पे ई बोल दिए, ठीक है। इसका जो परिमाप है, परिमाप है से 40 है, यानी कि अगर एक भुजा की अगर बात बोलें, अगर तो कितना मान लीजिए कि ए है एक भुजा, ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 = 40, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक भुजा इसका क्या हो जाएगा, 10-10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो बोल देंगे कि यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा और यहाँ भी 10 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी 10 हो जाएगा। और एक जो इसका विकर्ण दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताइए कि ए जब 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर जो मध्य बिंदु हो रहा है, यानी कि विकर्ण जो है आपस में क्या दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो इसको हम बोल देंगे कि क्या ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो अब बताइए कि यहाँ पे जब भी किसी समचतुर्भुज का दो विकर्ण जब आपस में काटते हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या 90 डिग्री का कोण बना होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए भुजा बराबर इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अगर बेस अगर मान लें, इसको हाइट मान लें और इसको इसको हाइपोटेनियस मान लें, इसको लंब मान लें, तो क्या कह सकते हैं कि ए भुजा जो आ जाएगा, मान लीजिए कि इसको एक्स आ जाएगा, तो मान लीजिए एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि 10 नहीं है 100 माइनस 36 यानी कि रूट 64 यानी कि 8, यानी कि एक्स जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपस में बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि दूसर का विकर्ण का जो हो जाएगा पूरा 8 दुना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो दूसरा विकर्ण बराबर हम लिख देंगे कितना 8 × 2 = 16 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि 7 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो संख्याओं का योग जो है सो 59 है, ठीक है, और उनका गुणनफल जो है से 1150 है, तो उनके वर्गों का योग क्या हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई दो संख्या है, मान लीजिए कि पहला संख्या ए है दूसरा संख्या बी है, इनका योग जो है से 59 दिया हुआ है और इनका गुणनफल जो दिया हुआ है ए गुना बी जो है से 1150 दिया हुआ है, तो बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ अगर बात करें, अगर दोनों तरफ अगर स्क्वायर हम कर दें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab = 59 का अगर स्क्वायर करें तो आपको स्क्वायर करने के लिए हम सिखाए हैं। चलिए देखिए इस फर्स्ट टर्म का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में स्क्वायर करेंगे, 9 × 81 के एक हाथ में 8 हो गया और ये दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 45 = 90 और 8 × 98 = 8 हाथ में 9 यानी 5 × 25 = 9 इतना हो गया 34 हो गया, यानी कि बोल सकते हैं 59 का स्क्वायर 3481 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ज्ञात करें, यही दोनों को हमको फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और ab का वैल्यू 1150 है, ठीक है। चलिए यहाँ से कितना 3481, अगर यहाँ लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो 3481 में से इसको अगर घटाएं तो 1150 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2300 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1100 हमारा 81 इसको अगर घटाएंगे तो 1181 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 8 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए कि संख्या, एक संख्या दिया हुआ है 72k460 के जो है यह एक संख्या दीजिए, संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जो 6 से पूरा विभाजित हो, 6 से विभाजित होना चाहिए, 6 से विभाजित होना चाहिए। तो विभाजिता का जब नियम आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो 6 से विभाजिता के लिए क्या जरूरी है, कम से कम 3 × 2, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या 2 से और 3 से जब विभाजित होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा 6 से भी विभाजित होगा, ठीक है। और इसका जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 4, बी दिया हुआ है 9 और सी दिया हुआ है 8 और डी दिया हुआ है 7, ठीक है। तो अगर के का वह मान हम लोग रखेंगे कि 2 से विभाजिता का क्या है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक जो है से हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या पूरा क्या है 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर 9 रखेंगे के जगह पे तो नहीं हो पाएगा, 7 रखेंगे तो नहीं हो पाएगा,
चार रखेंगे तो कट सकता है, आठ रखेंगे तभी कट सकता है। तो ये अब हमको डिसाइड करना है कि चार रखे कि आठ रखे, ठीक है। अगर तीन से विभाजिता की अगर जांच करें तो क्या है, आपस में सभी संख्याओं का योग जो है से तीन से जब विभाजित होगा तो वह संख्या तीन से भी विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, चलिए जोड़ते हैं, सात दो नौ, नौ और दस कितना 19 प्लस के क्या हो जाएगा 2k, ठीक है। अब बताइए कि अगर 8 अगर इसके पास रखेंगे तो 8 दुना क्या हो जाएगा 16, 16 अगर करेंगे तो 19 और 16 क्या हो जाएगा 35, 35 जो कि 3 से हमारा विभाजित नहीं हो जाएगा, क्योंकि 3 का विभाजिता का जो नियम होता है कि सभी संख्याओं का आपस में उसका योग जो है से 3 से विभाजित होना चाहिए, तब वो पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। लेकिन उसी के जगह पर अगर 4 रखें तो कितना हो जाएगा, 4 दुना क्या 8 हो जाएगा, यानी कि 19 और 8 कितना हो जाएगा 19, 8 27 हो जाएगा, 27 3 से विभाजित है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ भी 4 रख दें, यहाँ भी 4 रख दें तो देखिए 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 4 है तो पूरा संख्या भी क्या है 2 से विभाजित हो जाएगा। और 3 से अगर बात करें तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 जब हो जाएगा तो यहाँ से कह सकते हैं कि 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फाइनली जो हमारा के का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, जो 9 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई निश्चित राशि 2 वर्ष में 291,600 और 3 वर्ष में 314,928 हो जाती है तो 40,000 की धनराशि के लिए समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। दिया हुआ है दो राशि दिया हुआ है, 3 वर्ष में जो दिया हुआ है 314,928 दिया हुआ है और 2 वर्ष में जो हो जा रहा है से दिया हुआ है यहाँ पे कितना 291,600, ठीक है। तो अब बताइए कि ठीक है यहाँ से 3 वर्ष का दिया हुआ है 2 वर्ष का दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों को आपस में घटा देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। तो ये दोनों को चलिए घटाते हैं तो 8 में से 0 कितना 8, 2, 3, 3 और यहाँ अगर ज्ञात करें 31 में से 29 घटा देंगे तो 29 दो यानी कि 23,328 रुपये हो जाएगा एक साल का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। इसी का अगर हम लोग परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, दो साल पर परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। अगर परसेंटेज ज्ञात करें तो 23,328 डिवाइडेड बाई 291,600 गुना क्या 100, 20 से 20 कट कर देंगे और 2916 से 23,328 जो है से 8 बार में कट जाएगा। यानी कि हम जो फाइनल बोल सकते हैं कि रेट जो आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा 8,000 रेट आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि कोई दूसरा मूलधन, ठीक है, जो 40,000 दिया हुआ है तो 2 वर्ष में 8% के हिसाब से साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो दूसरा जो प्रिंसिपल दिया हुआ है पी का वैल्यू दिया हुआ है से 40,000 दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है और रेट हमारा जो हो गया 8% दिया हुआ है और टाइम जो हो गया 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग फाइंड कर लेंगे तो साधारण ब्याज का बराबर क्या होता है पी आर टी बाई 100 होता है। यहाँ बोल सकते हैं कि 40,000 गुना 8% 2 बटा क्या 100, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर कट करें तो क्या हो जाएगा 20 से 20 क्या 400 गुना 16 यानी 16 चौके 6,400 रुपये क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हमारा क्या हो जाएगा 2 साल का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 10 का जो हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा डी। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है तो 50% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना पर बेचना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस जो है से एक है और ये अपने आप में क्या होता है 100% होता है, आपको बहुत बार बताए हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि 832 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी कि हम बोल सकते हैं
कि 832 माइनस अगर कॉस्ट प्राइस को हटा देंगे तो लाभ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और यहां से बोल सकते हैं कि 448 में बेचने पर होने वाला हानि, ठीक है। तो हानि की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 448 होने वाला जो हानि है से आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर x को वो साइड अगर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 448 को 832 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, और 8 4 12, यानी कि क्या हो जाएगा, 2x बराबर 1280 हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 640 रुपये, यानी कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 640 रुपये हो जाएगा। तो इस पर हमको 50% लाभ कमाना है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वस्तु है से अपने आप में क्या है, 100% है, और 50% लाभ कमा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 150% का हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि बोल सकते हैं कि 640 का 150% ज्ञात कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम लोग करते हैं 10 से 10 10 से 10 यहाँ से करेंगे 64 × 15, अगर यहाँ से करेंगे तो 15 × 4 = 60 के 0 हाथ में 6 × 15 = 90 6 96, यानी कि 960 रुपये जो हो जाएगा से इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। जब इस वस्तु को 960 रुपये में बेचेंगे तो हमारा 50% का क्या हो जाएगा, लाभ ज्ञात हो जाएगा, लाभ हमको मिलेगा, ठीक है। चलिए इसी का जो ऑप्शन हो जाएगा 11 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है कि ए बी और सी तीन दुकानदार किसी समरूप वस्तु को पर 4820 रुपये का मूल्य अंकित करते हैं, ठीक है। ए बी और सी अपनी अपनी वस्तुओं को 10% अपनी अपनी वस्तुओं को 20% और 20%, ठीक है, क्रमागत छूट देते हैं। ये तीन लोग, तीन व्यापारी हैं, ए और बी और सी, इन लोग जो है से एक वस्तु को जो रेट फिक्स करता है 4820 रुपये करता है, ठीक है। और इन लोग क्या करता है ना कि ग्राहक को दो क्रमागत छूट देता है तीनों व्यापारी मिलकर के। तो ए जो है, ए है, बी है और सी है, ठीक है, ये तीन व्यापारी है। इन लोग का जो कॉस्ट प्राइस किसी का जो रखा है, सेलिंग प्राइस जो रखा है वो रखा हुआ है 4820 रुपया, और ये जो है ना से किसी ग्राहक को दो है से क्रमागत छूट देता है, ठीक है। तो पहला जो है से क्रमागत क्या छूट देता है, 20% और 20%, दूसरा व्यापारी है 25% और 15%, और तीसरा व्यापारी है वो क्या देता है कि 30% और 10%। तो क्वेश्चन क्या कहता है ना कि कौन सा व्यापारी जो है से अधिक छूट देता है, ठीक है, अधिक छूट देता है और कितना अधिक छूट देता है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो जब दो प्रकार का, जब ए और बी टाइप से, अगर इस टाइप से अगर दो, अगर मान लीजिए कि कोई दो छूट एक्स और वाई अगर दिया हुआ है तो उसका क्या होता है कि जब छूट दिया हुआ है तो उसका जो फार्मूला होता है कि माइनस ए माइनस बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए गुना बी बराबर क्या हो जाएगा बटा 100, यही क्रमागत छूट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम यहां से अगर ज्ञात करें तो माइनस बीस और 20 × 20/100, अगर इसको अगर करेंगे तो 20 क्या हो जाएगा 40, अगर 4 जोड़ देंगे तो -36%, यानी कि ए जो है से दो क्रमागत छूट 20% देता है, यानी कि अगर उसका अगर एकल छूट की बात करें तो 36% हो जाएगा। इसका अगर इसी प्रकार से ज्ञात करें तो 25% - 15% प्लस 25 × 15/100, अगर यहां से ज्ञात करें तो हो जाएगा -40 + 3.75, यानी कि जो हो जाएगा 36.25%, ठीक है, 36.25% इसका हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी का अगर ज्ञात करें सी का तो -30% - -10% और प्लस 30 × 10/100, ठीक है। अगर इसको करें तो -40 + 3, यानी कि -37% का क्या है छूट देता है। तो यहाँ से देखिए कि ए है से 36% का छूट देता है, बी है से 36.25% का छूट देता है, और सी है से कितना 37% का छूट देता है। तो यानी कि कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो दुकानदार है से सी है से सबसे ज़्यादा छूट दे रहा है, और कितना छूट दे रहा है तो 4820 का
हम कितना 37% फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 4820 का जब 37% फाइंड करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं इस 1783.4 रुपया यही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, तो सीप व्यापारी है तो सबसे ज़्यादा छूट देता है, कितना 37% का, और कितना रुपया, 37% बराबर कितना हो जाएगा 1783.4 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा से सी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कितने छोटे गोले बनेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि दो गोला है, ठीक है, एक बड़ा गोला है एक छोटा गोला है। इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि ये जो बड़ा जो गोला है इसको पिघला करके ऐसा ऐसा छोटा गोला बनाया जाता है, तो गोला की संख्या क्या हो जाएगा। तो बताइए कि बड़ा गोला का आयतन में अगर छोटा गोला को अगर आयतन से अगर भाग दे दें तो हमारा नंबर ऑफ छोटा गोला हो जाएगा। नंबर ऑफ छोटा कितना की कितना छोटा गोला बना सकते हैं इसका वैल्यू आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बड़ा गोला का आयतन क्या हो जाता है 4/3, इसको बड़ा आर से इसको छोटा आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब बटा छोटा गोला का अगर आयतन बोले क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर आर का वैल्यू कितना है 12, तो 12 × 12 × 12। और अगर यहाँ से अगर छोटा त्रिज्या अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, ठीक है। तो इसको कट करेंगे 6 6 6, यानी कि क्या होगा 6 × 6 × 6 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, यानी कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़ा गोला को पिघला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अगर छोटा गोला अगर बनाया जाए तो हमारा 216 गोला बनेगा, ठीक है, जो कि 13 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि बिंदु 4-5 दो बिंदुओं 2-3 तथा 8-7-8 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई रेखा है, ठीक है, जो ए का पॉइंट दिया हुआ है बी का, और मान लीजिए कि रैंडमली सी है, ठीक है। तो ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2-3 दिया हुआ है, और बी का जो वैल्यू दिया हुआ है 7-8 दिया हुआ है, ठीक है, और सी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ये जो लाइन है उसको सी यहाँ पर जब विभाजित किया जाता है तो इसका अनुपात क्या रहा होगा, ए भाग का और ए भाग का अनुपात क्या रहा होगा। तो इसको हम एम से डिनोट कर देते हैं और इसको एन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन फार्मूला एक होता है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स वन का वैल्यू है और ये वाई वन का वैल्यू है, ये एक्स का वैल्यू है ये वाई का वैल्यू है, और ये एक्स टू और वाई टू का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो सेंटर जो है, सेंटर सी जो है एक्स और वाई का वैल्यू है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन होता है, ठीक है। और अगर वाई की अगर बात करें यहाँ से तो देखिएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन होता है, ठीक है। यह सेक्शन फार्मूला होता है, ठीक है, यही रेशियो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से किसी भी फार्मूला में अगर हम वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो हमारा एम और एन का जो अनुपात हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, वो फाइंड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर इसका इस टर्म को अगर लेकर के चलते चाहे इस टर्म को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम और एन का जो रेशियो आएगा बराबर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको लेकर के चलते हैं। एक्स की अगर बात करें तो एक्स का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 यहाँ हम रख दिए, ठीक है। एम का वैल्यू नहीं पता है इसलिए एम यहाँ लिख दिए, और एक्स टू का वैल्यू क्या है, एक्स टू का वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 लिख दे रहे हैं। प्लस अगर एक्स वन की बात करें तो एक्स वन हमारा 2 है, ठीक है, एन गुना
दो, ठीक है, और m प्लस एन यहां कर देते हैं। अगर यहां से देखिए, अगर तिरछा तिरछी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 7m प्लस 2n, ठीक है। अगर यहां से अगर 2n को अगर इधर ले जाएं तो 4 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2n बराबर, अगर 4 को अगर उधर ले जाएं तो 7 में से 4 घट जाएगा 3m, यानी कि बोल सकते हैं हम यहां कि 3m बराबर 2n, और m और n का जो अनुपात, अगर कि अनुपात की अगर बात करें तो कितना, 2:3 हमारे क्या हो जाएगा, यही अनुपात हो जाएगा, यानी कि यहां से बोल सकते हैं कि 2:3 के अनुपात में जो है इस रेखा को विभाजित किया गया होगा, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी दो पाइप किसी भरी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं, इनमें से प्रत्येक को एक घंटे के लिए खोला जाता है, पहले पाइप बी को खोला जाता है तो भरी टंकी को कितने घंटे में खाली हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ए है, ठीक है, और कोई बी पाइप है, ठीक है, ए जो है से कितना 10 घंटा में खाली कर सकता है और ये है तो 16 घंटा में खाली कर सकता है, तो अगर टोटल दो, अगर टंकी का अगर क्षमता की बात करें तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 80 हो जाएगा, यानी कि ए है से एक घंटा में कितना 8 भाग भरेगा और बी है से कितना 5 भाग भरेगा, ठीक है। और टोटल टंकी का जो क्षमता है, यहां से हम बोल सकते हैं क्षमता, टोटल टंकी का जो क्षमता है वो हमारे कितना है 80 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए और बी को बारी बारी से खोला जाता है, ठीक है। तो अब बताइए कि एक घंटा में 8 भर रहा है और बी है से 5 भर रहा है और टोटल क्षमता 80 है, तो बताइए कि दो घंटा में ए और बी मिलकर के कितना 13 भाग भरेंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि चलिए इसी प्रकार से अगर किया जाए तो अगर 6 बार इसी प्रकार से अगर भर दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, 12 घंटा में 13/78 भाग क्या हो जाएगा, 12 घंटा में ए और बी मिलकर के क्या करेंगे 78 भाग भर देंगे, अभी भी कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, क्योंकि टोटल कुल टंकी का जो क्षमता है से 80 है, तो ठीक है जो 2 बच गया, 2 को कौन भरेगा, बी भरेगा, क्योंकि बी से स्टार्टिंग हुआ है तो बी से चलिए भरवा देते हैं, तो बी का क्षमता क्या है 5, यानी कि इतना घंटा लगेगा, ठीक है। हम दोनों अगर टाइम को अगर आपस में जोड़ दें तो 12:2/5 घंटा भरी हुई टंकी को खाली करने में समय लगेगा, ठीक है, या अगर टोटल अगर टंकी अगर खाली रहता तो उसको भरने में कितना 12:2/5 समय लगता, इतना घंटा का समय लगता, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है 1:2:3 है तो इन कोणों के सम्मुख भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो अनुपात है 1:2:3 है, तो बोल रहा है कि ए बी अनुपात बी सी अनुपात ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां से अगर बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो हम बोल सकते हैं कितना कि 2 × 1 = 3 × 6, यानी कि 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि ये जो हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब कोण का एंगल का जो एंगल जब दिया हुआ है और उसके सम्मुख भुजा का अगर अनुपात अगर बोले तो उसको साइन के टर्म में निकाल देते हैं, तो इसका अगर अनुपात की बात करें तो हम लिख सकते हैं यहां से देखिएगा कि ए बी इज टू बी सी इज टू ए सी की अगर बात करें तो साइन 30 अनुपात साइन 60 अनुपात साइन 90, साइन 30 का मान जो होता है कितना होता है 1/2 और √3/2
टू और इसका क्या होता है वन, ठीक है। ये चूंकि फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो इसको हम भिन्न से हटाने के लिए सब में क्या करते हैं, दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताइए कि दो से दो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो वन अनुपात रूट थ्री अनुपात दो हमारा क्या हो जाएगा, ये भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, ठीक है, जो कि 16 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। सत्रह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण है तो 60 डिग्री है और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो सीढ़ी की लंबाई याद कीजिए। मान लीजिए कि कोई दीवार है, ठीक है, इस पे एक सीढ़ी है जो झुका हुआ है, ठीक है, सीढ़ी जो झुका हुआ है इसका जो दीवार के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, और इस दीवार से इस सीढ़ी का जो निचला सिरा है से 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस दीवार का लंबाई क्या हो जाएगा, ठीक है, तो मान लीजिए कि दीवार का लंबाई x हो जाएगा, ठीक है, हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि लंब बटा आधार क्या होता है, tan होता है, और tan 60 का अगर रेशियो की अगर अनुपात करें तो tan 60 का मान क्या हो जाएगा, रूट थ्री और वन, ये दोनों का रेशियो की अगर बात करें तो यही रेशियो हो जाएगा रूट थ्री और वन का। अब हम रेशियो मेथड से बनाने से ये फायदा होता है कि वन का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो रूट थ्री का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वन बराबर 15, तो रूट थ्री बराबर कितना हो जाएगा, 15 रूट थ्री मीटर, यानी कि बोल सकते हैं कि दीवार का लंबाई जो हो जाएगा सर 15 रूट थ्री हो जाएगा, जो कि 17 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। चलिए 18 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अठारह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x बटा y प्लस y बटा x बराबर 2 हो और एक्स वाई जो है 0 के बराबर नहीं है तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए x बाई वाई प्लस y बाई एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, अब x जो y है नॉट इक्वल टू 0 है तो x माइनस वाई का वैल्यू है से फाइंड करना है। चलिए अगर इस इक्वेशन को अगर आगे हम लोग सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2। अगर तिरछा तिरछी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2xy, ठीक है। अगर यहाँ से करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इस टर्म को इधर लाएंगे तो 2xy इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के टर्म में है तो हम बोल सकते हैं क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि बोल सकते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यहाँ 0 हो जाएगा। अगर x माइनस अगर y की बात करें तो ये रूट इधर जाएगा तो यानी कि 0, यानी कि बोल सकते हैं कि x माइनस वाई का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बराबर 0 हो तो मूलों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका मूल जो होगा सो 2 होगा, एक का वैल्यू 2 हो जाएगा क्योंकि द्विघात समीकरण है और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए इसको दो तरीका से बना सकते हैं हम लोग, पहला तरीका आपको हम बताए हैं पहले भी और दूसरा का तरीका भी बताएंगे। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे इसको क्या किया जाए, इस टाइप की इक्वेशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच वाला टर्म को इस प्रकार से हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं कि पहला और दूसरा तीसरा को गुना करने के बराबर होना चाहिए, यानी कि कितना, पहला तीसरा को गुना करेंगे तो 30x स्क्वायर, तो 11x को दो टर्म में इस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर 11x होना चाहिए -11x और गुना करने पर 30x स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि -6x और -5x में अगर तोड़ देते हैं, ठीक है, तो 6×5=30x स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ने और घटाने पर देखिए जोड़ेंगे तो -11x हो जा रहा है। तो हम यहाँ से अगर x की बात करें तो हम बोले थे आपको कि जब भी इस टाइप से अगर तोड़ देते हैं तो जो x का दो वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव करके लिख देते हैं, जो टर्म में लिखा हुआ उसे पॉजिटिव करना है, अगर माइनस में लिखा हुआ है तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में लिखा हुआ है तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से 6 हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही दोनों वैल्यू को जोड़ देना है आपस में, तो 6 और 5 जोड़ देंगे तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड था। चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं। आप जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 है तो ये दोनों मूलों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है
अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है। अगर बी का अगर बात करें तो माइनस ग्यारह दिया हुआ है, तो माइनस ग्यारह लिख दिए और ए का जो वैल्यू हो जाएगा तो क्या एक्स का गुणज एक्स स्क्वायर का गुणज होता है, तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट यहाँ पर ग्यारह आंसर आ जा रहा है जो कि 19 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिएगा, तो बोल रहा है कि वन माइनस कॉस थीटा टू प्लस डिवाइडेड बाय टू माइनस टू साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए टू को हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे टू अगर कॉमन निकाल लेंगे तो टू यहाँ रख ले रहे हैं, ये जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देंगे वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा। अब देखिए अगर नीचे की बात करें तो नीचे भी टू कॉमन लेते हैं तो वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए कि ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम ये बोल सकते हैं कि वन माइनस और यहाँ से टू से है टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं देखिएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसी की बात करें तो साइन बटा कॉस क्या होता है टेन, तो टेन थीटा का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। एक बात बताइए कि कॉट थीटा का अगर यहाँ पर कॉट थीटा का वैल्यू 15/8 दिया हुआ है तो यहाँ से बोल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर ओपोजिट कर देंगे 8/15। अब वही टेन थीटा का मान वहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना 8/15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो कि 20 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आज का मैथ का सेट नंबर 25 ऐसे हमारा क्या होता है पूरा होता है। ठीक है, एक नई जोश और जुनून के साथ में हम लोग रोज की तरह कल भी हम लोग मिलेंगे मैथ का सेट नंबर 26 लेकर के। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। चलिए आज के लिए धन्यवाद।